हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। तो समझते हैं कि ब्रेस्ट क्या होते हैं। ब्रेस्ट पेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक लड़की रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करती है तो 12 से 13 साल की उम्र के बाद उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक है ब्रेस्ट के साइज का इंक्रीज होना। ठीक है, तो होता यह है कि जो ब्रेस्ट होता है ये बेसिकली तीन तरह के टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें से पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा होता है फाइब्रस और सपोर्टिव टिश्यू, जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और तीसरा होता है फैटी टिश्यूज। तो ब्रेस्ट का मेन जो काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एरिया होता है ब्रेस्ट में, जिसको अपन लोब्स बोलते हैं, तो वो लोब्स बेसिकली बने होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज के। अपन बात करते हैं फाइब्रस और कनेक्टिव या फिर सपोर्टिव टिश्यूज के, तो ब्रेस्ट को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम होता है लिगामेंट्स का, जो उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के, या फिर जिसको अपन फाइब्रस और सपोर्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है फैटी टिश्यूज, लोब्स के बीच में फैट प्रेजेंट होते हैं और इन फैट की वजह से ब्रेस्ट का जो साइज है वो अलग अलग होता है अलग अलग फीमेल्स में। तो इनकेस अगर फैट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा, लेकिन अगर कंपोजिशन अगर कम है, अमाउंट कम है, तो ब्रेस्ट का साइज भी छोटा होगा। हम ये लेटरल व्यू देख रहे हैं और ये देख रहे हैं एंटीरियर व्यू। तो हमने लेटरल व्यू में देखा ये जो स्ट्रक्चर्स आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं ये लोब्स हैं, जो बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यूज के बने हैं और इन्हीं लोब से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब इनके बीच में अपन को जो स्पेसेस दिख रहे हैं उन स्पेसेस में फैट प्रेजेंट होता है, और इस ब्रेस्ट को होल्ड करने का काम या फिर शेप देने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, लिगामेंट्स का। यहाँ पर हमको लिगामेंट्स दिख नहीं रहा, लेकिन आगे चल करके हम लिगामेंट्स को भी देखेंगे। अब अपन देखते हैं ब्रेस्ट के फंक्शन को। बेसिकली ब्रेस्ट के दो फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये है कि ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होता है जो हार्मोनल इफेक्ट के कारण से होता है। हार्मोन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट से मिल्क के सिक्रेशन और प्रोडक्शन के लिए। दूसरा जो होता है ब्रेस्ट सेक्सुअल फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर निप्पल्स को या फिर ब्रेस्ट को स्टिमुलेट किया जाए तो ये सेक्सुअल प्लेजर भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो बेसिकली कहां पर होते हैं, चेस्ट में लोकेटेड होते हैं, और किसके सामने होते हैं, किसके सामने होते हैं, ये रिब्स के सामने। तो ये रिब्स हैं, ठीक है, और रिब्स के जस्ट सामने हमको यहां पर एक मसल्स देखने को मिल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं पेक्टोरिलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरिलिस मेजर। और अभी हम कुछ देर पहले बात करें कि ब्रेस्ट होते हैं वो किसके थ्रू सपोर्टेड होते हैं, तो ये जो व्हाइट व्हाइट आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है लिगामेंट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ब्रेस्ट है ये कहां पर होते हैं, स्टर्नम, ये बीच वाली जो हड्डी को अपन बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम के आइदर साइड में ब्रेस्ट है वो लोकेटेड होते हैं। फिर अपन इसका हम देखते हैं इसका एनाटॉमिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली अपन देखें तो ये आपको स्टर्नम, ये जो स्टर्नम है इसका जो स्टर्नम का जो बॉर्डर, ठीक है, जो लेटरल बॉर्डर है, तो यहां से लेकर के मिड एक्सिलरी ये दोनों रीजन के बीच में कहां पर क्या होते हैं, ब्रेस्ट लोकेटेड होते हैं। और अपन इसका वर्टिकल व्यू देखें तो सेकेंड से सिक्स्थ कोटल कोस्टल कार्टिलेजेस के बीच में ब्रेस्ट जो होता है लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो बेसिकली टू रीजन्स में डिवाइडेड, जिसको अपन बीच वाले रीजन को अपन बोलते हैं सर्कुलर बॉडी, और एक्सिलरी वाला जो टेल है, एक्सिलरी वाले रीजन पे का जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी टेल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निप्पल्स की। तो निप्पल्स क्या है, ब्रेस्ट के बीच में जो प्रोट्रूडेड पार्ट होता है जो बेसिकली स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है, तो जब बेबी निप्पल को सक करता है तो वहां से मिल्क इजैकुलेट होता है। दूसरा होता है एरियोला। एरियोला क्या, ये रीजन जो डार्क ब्राउन कलर का जो रीजन होता है जो निप्पल्स के सराउंडिंग में होता है उसको अपन बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ये पिगमेंटेड स्किन एरिया होता है, और इसी रीजन पे क्या होते हैं कुछ खास तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन मोंटगोमेरिस ट्यूबरकल या फिर सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस ग्लैंड से कुछ ऑयल सिक्रीट होता है जब बेबी मिल्क निप्पल को सक करता है, तो और इसका काम होता है मोंटगोमेरिस ट्यूबरकल से निकलने वाले ऑयल्स का कि वो निप्पल्स को ल्यूब्रिकेट करे। तो ब्रेस्ट जो हम ब्रेस्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेस्ट बेसिकली 15 टू 20 सेक्शंस के बने होते हैं। ठीक है, और इन सेक्शंस को अपन बोलते हैं लोब्स। इन लोब्स के अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं लोब्यूल्स, और इन लोब्यूल्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई वो सेल्स है जिसमें क्या होता है ब्रेस्ट का मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और ये जो मिल्क है ये बाहर कैसे निकलते हैं, डक्ट्स के थ्रू। तो सारे डक्ट्स एक साथ मिल करके कहां निकलेंगे, कहां पर इकट्ठे होते हैं, निप्पल्स में, और निप्पल्स के थ्रू क्या होता है जो मिल्क है वो बाहर इजैकुलेट होता है, तब जब बेबी
निप्पल को सक करता है। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।